यूपी कासगंज पुलिस कप्तान अशोक कुमार ने एक तथाकथित अधिवक्ता को गिरफ्तार कर सनसनीखेज खुलासा किया है। अधिवक्ता एक माँ बेटी को बंधक बनाकर अपने विरोधियों पर झूठा दुराचार का मामला दर्ज कराता था और कार्रवाई न होने पर सीएम के अलावा प्रदेश के उच्च अधिकारियों को एक नहीं अनेकों सप्ताह बाद लेटर भेज भेज कर आत्मदाह की धमकी देता था। एसपी ने इस मामले अधिवक्ता सहित मुकदमा दर्ज कराने वाली माँ बेटी को भी हिरासत में ले लिया है। लड़की को अपने कब्जे में कर लेता है, नाबालिग लड़की है, और उससे वो मुकदमे करवाता है फर्जी बलात्कार के और वसूली करता है उन लोगों से, इनके खिलाफ कराता है। ये केस पहले भी कर चुका था, अभी दो उसने मुकदमे कराए। और प्रॉब्लम क्या होती है पुलिस की कि वो चिट्ठी लिखवा देता है वो लड़की के नाम से मुख्यमंत्री के यहाँ कि अगर मेरे में कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आपदा कर लूँगी, सब परिवार कर लूँगी। उसने दो डेटें दिया, 10 जून 10 जुलाई को कर लूँगी, अभी लेटेस्ट 15 अगस्त। सारा कारनामा इसका रहता है नाना पचौरी का। लड़की तो मोहरा है, उसको इसने बलात्कार भी किया, बंधक भी बनाया और उससे इसने लिखवाया मुकदमा और धमकी भी दिलाया। जब मेरे को ऊपर से लिख के आया कि आपदा कर लेंगे, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी हजगंज से आया, तब मैं इसके पीछे पड़ के हमारी पूरी सर्विलांस की टीम हेडेड बाई COCT, इन्होंने पूरा इसका मुकम्मल इंतजाम किया, इसको इनको सबको गिरफ्तार किया है। और ये बहुत बड़ा दो परिवार इनके खिलाफ ये क्षेत्र कायम था जो घुट घुट के मर रहे थे, उनको निजात मिली है और पुलिस की अपनी प्रतिष्ठा भी कायम हुई है इस केस को खोलने। सर कुल कितने लोग आपको बंधक बनाया गया था, क्या मामला रहा था? मुझे बंधक बना लिया था। क्या मामला रहा पूरा? मेरे गांव में जो झगड़ा हुआ 8-5 को, तो जो मेरे गांव से सुमन है ना, उसने मुझे उसके पास भेजा था नारायण कचौरी के साथ, तो मेरी माँ को उसने पागल बना दिया, मुझे वहाँ से वो ले गया। वहाँ पे उसने अपनी जीजा जी करके रखा था मथुरा, दो दिन को अपने गांव में बड़ा गांव कोटा ले आया था। उसमें सर जो आके जो नितिन कुमार है उसका कोई मैं उन्हें जानती भी नहीं हूँ। आपके संग क्या क्या घटना घटित की? नितिन कुमार और दूसरा उन्हें मैं राकेश को मैं जानती भी नहीं हूँ सर। उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब नारायण कचौरी ने मेरे साथ घटना की थी। कि आपके साथ बलात्कार किया था? जी सर। अब मुझे मैं अपने माँ से भाई से बात करना चाहती थी तो मुझे वो धमकी देता था कि तुझे तेरे भाई को तुझे जान से मार डाले हैं, तो बात की तो सर वो वहाँ एक दिन घर पे नहीं था, तो मैंने मौका लग के अपने भाई के लिए फ़ोन किया, तो भाई मुझे वहाँ से अपने बधाई में थी, तो मैंने मौका लग के फ़ोन किया, तो भाई मुझे पुलिस को लेकर वहाँ साथ पहुँचे बधाई में लेने के लिए। तो मैं 15 तारीख को मेरा भाई मुझे लेने पहुँच गया, तो मैं अपने भाई के साथ आ गई थी। कितने दिन आपको बंधक बना के रखा? एक महीने सर।